हर साल अब तो 75 ईयर्स आज़ादी का सोनो चौक का इससे कॉम्पिटिशन रंगोली कॉम्पिटिशन करते हुए सभी बच्चों को आने वाले दिनों में कांग्रेस तो देश आज़ादी कैसा हुआ, देश आज़ादी के पहले क्या था, हुकूमत कैसा था, अब आने के बाद सेकुलर देश होने के बाद सब चीज़ बताने के वास्ते बनाए। मैं चाहता हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। अभी बाबूराव साहब भी आए थे, उन्हें होटल भी है उनका अच्छा, उनको भगवान चार पैसे भी मिल रहे हैं। मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, जब कभी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे जो बच्चियाँ खवातीन पढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं उनके सुख दुख में भी हेल्प करेंगे और बच्चियाँ भी आगे बढ़ेंगे, नौजवान आगे बढ़ेंगे। खाली पैसा कमाना ही नहीं, चार लोगों को हेल्प भी करें तो अल्लाह मैं अल्लाह देता हूँ बोला, उन्हें मान लिया मैं बराबर हेल्प करूँगा। जब कभी मुश्किल में है बच्चे उनको बोलता हूँ, उनके भाषण भी सुने, मैं उनको शुक्रिया था। आपको पता चलो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी फायदे हैं उन्होंने जेलों की सोबतों को सहा, लाठी की परवाह नहीं की, गोली की परवाह नहीं की और इस मुल्क को आजादी दिलाया। 1885 में एवं मुल्क की सदारत पे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई, क्योंकि एवं मुल्क को अच्छी तरह से पता था कि अगर से हिंदुस्तान को आजादी दिलाना है अंग्रेजों से तो सुजाता सुखरिया टीचर्स प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट। मैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है 75 ईयर्स आजादी का अमृत उत्सव, 75 ईयर्स के बाद अब ये आजादी का अमृत उत्सव केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार सभी लोग आप देख रहे हैं। हर दिन से हर जगह नेशनल फ्लैग हर आदमी के हाथ में, हर घर पे नेशनल फ्लैग, हर स्कूल में नेशनल फ्लैग, हर चौरस्ते पे नेशनल फ्लैग और उसी के साथ आज राजीव गांधी का बर्थडे, 79 ईयर का बर्थडे, इस मौके पे हमारे अफजलुद्दीन साहब क्विज कॉम्पिटिशन रंगोली अंताक्षरी मेहंदी जैसे कॉम्पिटिशन का कार्यक्रम रखे। मैं स्कूल के अथॉरिटी के जितने भी प्रिंसिपल है हमारे खवातीन से मेरी एक गुजारिश है, इस हिंदुस्तान में आजादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सभी लोग मिलकर इस देश को आजादी लाए। उस वक्त आप भी पैदा नहीं हुआ, मैं भी पैदा नहीं, मेरी पैदाइश भी 1948 है, 1947 में इस हिंदुस्तान का आजादी मिला। मगर आजादी के बाद पहले कौन कौन इसके जिम्मेदार है आजादी लेने वाले, महात्मा गांधी से लेके मौलाना अब्दुल कलाम से लेके आकर पंडित जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस सभी लोग का त्याग है। हर आदमी पंडित जवाहरलाल जो 18 साल उनका पिताजी था मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़ा पूंजीपति थे, जमींदार थे, करोड़ों रुपए का उनके पास पैसा था, प्रॉपर्टी था, उधर सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, इस हिंदुस्तान में आजादी के वास्ते महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा लायक था, उन्हें भी ट्रेन में चला था, फर्स्ट क्लास में टिकट खरीदा बैठा, मगर बोले लोग क्या बोले, अरे तू काला है, तू कैसे बैठा था मेरे साथ, बोल के उनको ट्रेन में से उतार के प्लेटफॉर्म पे फेंक किए। तो बोला भाई ये क्या तरीका है, वो भी आदमी मैं भी आदमी हूँ, काला गोरे में क्या फर्क है, ये काला लोग को हटाने का काम क्या है, इनका जो सोच है गलत है। उनके हिंदुस्तान आया उस जमाने में सभी लोग लड़ रहे थे आजादी के वास्ते, उस आजादी में इन्हों भी शामिल हुए, उसके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए, 18 साल जेल हो गए। मगर आज 75 ईयर अमृत उत्सव कर रहे आजादी के, मगर आज हिस्ट्री को गलत लिख रहे, हिस्ट्री को गलत बता रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला आदमी है इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री,
तमाम में एक सुई भी नहीं बना खड़ा करे, कर्नल कुमार से कश्मीर पे कब्जा करे, बड़े बड़े राजाओं को सबको हटा दिए, उसके बाद वो हुकूमत करना शुरू करके अपने लोगों में लड़ाना शुरू कर दिए। महात्मा गांधी बोले भैया हमारे पास कोई गन नहीं है, कोई AK-47 नहीं है, मगर हम आजादी के वास्ते लड़ेंगे अहिंसा के साथ। एक लकड़ी नहीं था, एक गन भी नहीं था, मगर हिंदुस्तान को आजादी लेने वाला कौन है? महात्मा गांधी। क्विट इंडिया, उप सत्याग्रह, हर उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। आज एक नया काम शुरू हो रहा, हिस्ट्री को गलत बता रहे। आज जो जमाने में आजादी के वो लड़े सवालों में एजाज भाई थोड़ा कल शमाल गांधी भवन में हिंदुस्तान की 75 साल जश्न आज़ादी के सिलसिले में गुज़िश्ता 18-19 तारीख को मुख्तलिफ़ उनवानात पर तहरीरी तकरीरी मुखालबात का अहतमाम किया गया। साथ ही साथ तहरीरी तकरीरी मुखालबों के अलावा इससे अंताक्षरी, बैतबाजी, रंगोली, कौमी एकजुटी पर मबनी ड्रामे, मेहंदी डिजाइनिंग के प्रोग्राम का अहतमाम किया गया और जजेस साहबान के फैसले के बाद आज हम नेशनल सॉलिडरिटी कमेटी की जानिब से उनकी खिदमत में फर्स्ट प्राइस को शाल के साथ शालपोशी की गई, सेकंड और थर्ड प्राइस को उनको जो असनादत की तकसीम अमल में लाई, और जो मोमेंटस फर्स्ट सेकंड थर्ड को नहीं दिए गए हैं माशाल्लाह कुछ वजूहत की बिना पर नहीं दिए गए 5 सितंबर को, क्योंकि कौमी सतह पर सर्वेपल्ली डॉक्टर एस राधाकृष्णन की यौम पैदाइशी तकरीब मनाई जाती है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता मेरा नाम एस के अफजलुद्दीन है, मैं नेशनल सॉलिडरिटी कमेटी का चेयरमैन हूँ। प्रोग्राम का अहतमाम असातिज़ा को उनके खिदमत का एतराफ़ करते हुए उनके एजाज़ में तहनीत पेश करता हूँ माशाल्लाह। और इस सिलसिले में 5 सितंबर को फिर एक मरतबा रिवायती तौर पर इसी प्रकाशम हॉल में फिर एक मरतबा नामपल्ली MM गर्ल्स जूनियर कॉलेज के तमाम असातिज़ा साहिबान को और जो आज महरूम हैं मोमेंटसो उनको मोमेंटो पेश किए जाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो है ईस्टर्नली सुजाता डिग्री कॉलेज, इंदिरा प्रियदर्शनी डिग्री कॉलेज के असातिज़ा साहिबान को और उनके बशमुल प्रिंसिपल साहिबान को हम 5 सितंबर को इसी प्रकाशम हॉल में तहनीत पेश करेंगे। और हमारा एक ही काम है, क्योंकि असातिज़ा माँ बाप के बाद उनका दर्जा होता है, तो समाज में खास लड़का और लड़की हो जो रुतबा बुलंद करते हैं असातिज़ा की तालीमात से करते हैं। माशाल्लाह आज मैं मुबारकबाद देता हूँ ख़ासकर MM जूनियर कॉलेज की तालिबात को जो नामपल्ली के जो मुख्तलिफ़ कॉम्पटिशन में हिस्सा लेकर सलाहियत काबिलियत का लोहा मनवाते हुए आज जो सर्टिफिकेट हासिल करे। फिर एक मरतबा उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुजवीज़ा जो प्रोग्राम है 5 सितंबर का असातिज़ा को खिदमत को तस्लीम करने का, उसमें जो है आप बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लीजिए और असातिज़ा साहिबान की मदद कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।